मेरठ में एक बार फिर खाकी की शर्मनाक करतूत आई सामने। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद थाने से ही आरोपी को छोड़कर किया सेटिंग का खेल। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर लगाया जाम। दरअसल थाना इंचोली इलाके के गांव नगला शेखो निवासी राहुल और सोनू बिजली का काम किया करते थे। बीती 28 तारीख को ही दोनों ही मोटरसाइकिल से काम पर जा रहे थे। अचानक पीछे से आ रही मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे राहुल और सोनू दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कर दिया। घायल राहुल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई तो गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने राहुल का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि राहुल की मौत ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर लगने से हुई है, जबकि स्थानीय पुलिस ने सेटिंग करते हुए थाने से ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाकर उसके स्थान पर छोटा हाथी खड़ा कर दिया है और FIR में खेल करते हुए राहुल की मौत छोटा हाथी से टक्कर लगने पर बताई जा रही है। पुलिस के इस खेल से नाराज ग्रामीणों ने पहले तो इंचोली इलाके में हाईवे पर जाम लगाया, फिर उसके बाद राहुल के शव को लेकर SSC ऑफिस के लिए कूच किया। लेकिन रास्ते में ही गंगानगर थाना पुलिस ने CO सदर देहात के आदेश पर बैरिकेडिंग लगाते हुए उन्हें रोक लिया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर ही जमकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे CO सदर देहात ने किसी तरह लोगों को समझाकर आश्वासन दिया और मामले की जांच खुद कर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस के इस खेल का खुलासा कब तक हो पाता है, या फिर इसी तरह आरोपी पुलिस से सांठगांठ कर बचते रहेंगे। नवबारा समाचार मेरठ उत्तर प्रदेश से संदीप कुमार। ये ट्रैक्टर जो उन्होंने थाने में खड़ा कर दिया। क्या नाम है आपका? क्या राजू नाम है? बताओ क्या है पूरा मामला? पूरा मामला जी, ये दोनों काम पर जा रहे थे तो रास्ते में उधर से ट्रैक्टर मट्टी का भरा वार था, क्योंकि दो नंबर से मट्टी ठहरा देख लो, और फिर भी उसने आवाज़ इतनी बजा रखी थी, गाने फुल आवाज़ पे था, मतलब ये मीडियम पे उस पर चले थे जो वहाँ बैठे थे वे बता रहे थे बिजली वाले। तो उन्होंने उसने एकदम कट मारा तो इनकी बाइक में ठोक दी। तो हाँ जी, ये फिर वहाँ से अस्पताल में ले गए इनको, फिर हमने 112 नंबर पर फ़ोन करा तो पुलिस आ गई, पुलिस वाले ट्रैक्टर को खींच के ले आए वहाँ थाने में। तो थाने में ले जाकर एक रात तो रखा जी थाने में ट्रैक्टर, उन्होंने फिर अगले दिन उन्होंने ट्रैक्टर गायब कर दिया मुझसे, मतलब पैसे लिए क्या कुछ भी करा, रिश्वत ली कुछ भी करा, मतलब पैसे लेकर उन्होंने ट्रैक्टर वाले को छोड़ दिया, ट्रैक्टर को छोड़ दिया, छोटा हाथी लगा दिया। फिर हम उनके पास गए, मका जी तुमने ऐसा कर दिया, कह ले कि तुम्हारे लिए यही बेटर है, तुम्हें क्लेम मिल जाओगा, हमें क्लेम नहीं चाहिए, हमें ट्रैक्टर वाला चाहिए, हमें क्लेम नहीं चाहिए, हमें ट्रैक्टर वाला चाहिए। आप ये ये जी डेड बॉडी इसके वो के तहस पर तो वहाँ जा रहे जी कप्तान के यहाँ जा रहे जी, तो इन्होंने यहाँ पर रोक लिया, दो घंटे हो गया वहाँ पर खड़े थाने पर खड़े हुए इंचोली थाने पर। अब यहाँ किसने रोका है? यहाँ इन्होंने रोका जी, गंगानगर वाली ने बैनर लगवा दिए, CO साहब ने रोक दिया यहाँ से। क्या नाम भैया? मेरा नाम जोनी है जी। क्या प्रकरण है पूरा जी? ये दो लड़के थे, एक तो मेरा भाई है सोनू और एक राहुल, ये बाइक से काम पे के लिए जा रहे थे नंगला से कुछ है। और रास्ते में सैन्योर नंगला से के बीच में रास्ते में उसकी मट्टी भरी हुई ट्रॉली आ रही थी, ट्रैक्टर आ रहा था तो उनका इनकी भिड़त हुई, यानी कि ट्रैक्टर वाले ने गाने बजा रखे ट्रैक्टर वाले ने एक्सीडेंट करा, और जो राहुल नाम का लड़का था उसकी हालत गंभीर थी, तो उसकी 28 तारीख का हादसा है, और क्या नाम जी आज उसकी डेथ होगी। अब कहाँ जा रहे थे आप जी? अब जा रहे थे SP। SSP आप कैसे रुके? ये पुलिस वालों ने नहीं जाने दिया। कौन सी पुलिस ने? ये गंगानगर थाने की CO सर ने। किसी की डेथ हुई है जी? जी सर, राहुल राहुल की डेथ होगी, डेड बॉडी भी हमारे साथ ही है। हम आगे नहीं जानते पुलिस ने अब क्या कार्रवाई की। पुलिस पुलिस वाले कह रहे हैं वहाँ पे मत जाओ, मतलब वहाँ पे जाने हैं रोक रहे हैं पुलिस वाले, वहाँ जाने नहीं दे रहे। कार्रवाई क्या करें? कार्रवाई ये कह रहे हैं, मतलब जो बात ये है थाने में जो है ना, जिस ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था वो ट्रैक्टर थाने में था, तो पुलिस वालों ने जो है ना ट्रैक्टर हटा के और छोटे हाथी से एक्सीडेंट दिखा दिया, बात ये हुई थी। गिरफ्तारी कोई हुई जी? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं जी। नहीं, ट्रैक्टर वाले भी छूट गए थे, ट्रैक्टर भी छुटा के ले गए थे, छोटा हाथी दिखा देता उन्होंने। अब ये पता नहीं किसका है किसका नहीं। सर क्या मामला हुआ था ये 27 तारीख को एक एक्सीडेंट हो गया था इंचोली में, एक राहुल नाम के लड़के की जो 28 वर्ष का था, ट्रैक्टर ट्रॉली से एक एक्सीडेंट होने तो उसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। उसमें परिवारजनों का कुछ आक्रोश था, आक्रोश इस बात को लेकर था कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था, अभी ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो उनका एक आरोप ये भी था कि FIR हम जैसा चाहते थे वैसा FIR नहीं हुई,
तो वो बिना पोस्टमार्टम कराए इस बात से स्थानीय थोड़ा पुलिस से नाराज़ होकर जा रहे थे शहर की तरफ, तो उनसे मेरी बात हुई, बातचीत में उनकी सारी समस्याओं का मेरा निदान कर दिया गया है और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। सर ये बताया जा रहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉली से तो एक्सीडेंट हुआ है लेकिन उसमें छोटा हाथी दिखाया था FIR। हाँ FIR तो जो दी थी वही पंजीकृत हुई है, अब ये जाँच का विषय किन परिस्थितियों में FIR चेंज हुई है। FIR में जो प्रार्थना पत्र है इसमें उन्हीं के साइन भी हैं, लेकिन उनका कहना था नहीं साहब ये FIR मेरी नहीं, तो जांच का विषय है कैसे क्या हुआ है, तो उस पर मेरे द्वारा जांच करके अग्रिम कार्रवाई उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। सर थाना पुलिस की कुछ गलती नजर आ रही है इनिशियल स्टेज पर भी कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है, मामले को निपटा लेना चाहिए था, यहाँ तक नहीं आने देना चाहिए था, उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाना था, उसको देखा जा रहा है।